दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि क्लास नाइन्थ एन सी आर टी चैप्टर फोर से लिया गया है इस क्वेश्चन में मैं बोला गया कि एट थाउजेंड के जी इंजन है जो पुल कर रहा है फाइव वैगन्स को और एक वैगन का वेट कितना है टू थाउजेंड के जी और ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक में मूव कर रहे हैं इफ़ द इंजन एक्जर्स अ फोर्स ऑफ फोर्टी थाउजेंड न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स ऑफ फाइव थाउजेंड न्यूटन देन कैल्कुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन एंड द फोर्स ऑफ वैगन वैगन टू तो हमारे पास एक इंजन है जिसका 8000 मास है उसके साथ पाँच वैगन्स अटैच्ड है और वो सब हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव कर रहे हैं इंजन ने 40,000 का फोर्स लगाया फ्रिक्शन फोर्स जो अपोज कर रहे हैं इंजन के मोशन को वो कितना है 5,000 न्यूटन तो नेट एक्सेलेटिंग फोर्स हमें सबसे पहले निकालना है तो नेट एक्सेलेटिंग फोर्स क्या होगा नेट एक्सेलेटिंग फोर्स जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे हम देख लेते हैं ए पार्ट में नेट एक्सलेरेटिंग फोर्स तो नेट एक्सेलेटिंग फोर्स कितना होगा टोटल फोर्स जो लग रहा है माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स वही फोर्स होगा जो उसको आगे बढ़ने दे रहा है तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है फोर्टी थाउजेंड फ्रिक्शनल फोर्स कितना है फाइव थाउजेंड ये माइनस करने के बाद जो थर्टी फाइव थाउजेंड न्यूटन का फोर्स आएगा क्या यही फोर्स है जो सिर्फ हमारी बॉडी को आगे मूव करने के लिए हेल्प करेगा तो नेट एक्सेलेटिंग फोर्स कितना है थर्टी फाइव थाउजेंड न्यूटन फिर हमसे बोला गया एक्सेलेशन ऑफ द ट्रेन अब अगर हमें एक्सेलेशन ऑफ द ट्रेन निकालनी है तो हमें क्या चाहिए एक्सेलेशन निकालने के लिए फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन ठीक है फोर्स हम निकाल चुके हैं कि एक्सेरेटिंग फोर्स थर्टी फाइव थाउजेंड न्यूटन है एक्सेलरेशन हमें निकालनी है अब हमें चाहिए मास ऑफ द ट्रेन तो अगर हम मास ऑफ द ट्रेन देखें तो मास ऑफ द ट्रेन में क्या आएगा इंजन प्लस वैगन्स ये टोटल मास होगा हमारा मास ऑफ द ट्रेन तो इंजन का मास कितना है इंजन का मास है एट थाउजेंड ठीक है अच्छा वैगन्स का मास कितना है एक वैगन का मास टू थाउजेंड है पांच वैगन्स का मास कितना हो जाएगा टेन थाउजेंड तो जो वैगन्स टोटल ट्रेन का मास आएगा टोटल ट्रेन का मास हमारे पास कितना आ जाएगा एटीन थाउजेंड के जी यह आ जाएगा हमारे पास टोटल ट्रेन का मास ये हो गया हमारा फोर्स एक्सेलरेशन और ये हमारा आ गया ठीक है अब हम क्या करें अपना एक्सेलरेशन निकाल लें अगर हम अपना एक्सेलरेशन निकालेंगे यहाँ पे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा थर्टी फाइव थाउजेंड अपऑन एटीन थाउजेंड ठीक है तो थर्टी फाइव थाउजेंड अपऑन एटीन थाउजेंड अगर हम करें तो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वन पॉइंट नाइन फोर फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे आगे एक्सेलरेशन फिर हमसे पूछा गया फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू तो वैगन वन वैगन टू पे कितना फोर्स लगा रही है अब हमें ये कैलकुलेट करना है तो सी पार्ट हम देख लेते हैं हमारे पास टोटल पाँच वैगन से ठीक है तो हमारे पास ये एक हो गया दो तीन चार पाँच ठीक है ये सब कनेक्टेड है ये हो गया हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो हमें निकालना है फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू तो अब क्या है वैगन वन जो फोर्स लगा रही है हमारे पास हमें वो निकालना है तो वैगन वन सिर्फ वैगन टू पर तो फोर्स लगाएगी नहीं वैगन टू के साथ कौन कनेक्टेड है थ्री फोर फाइव भी कनेक्टेड है तो हमें बेसिकली क्या निकालना है अगर हमें निकालना है फोर्स ऑफ वैगन वन तो हमें निकालना है फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू तो वैगन टू के साथ कौन कौन आएगा वैगन टू के साथ थ्री फोर फाइव का भी मास आएगा तो अगर हम तो, तो हमारे पास टोटल कितने वैगन्स हो गए हमारे पास टोटल फोर वैगन्स हो गए जिनका हमें मास जोड़ना है तो डब्लू टू जो हमारा होगा वैगन टू उसमें सिर्फ वैगन टू का नंबर नहीं होगा उसमें थ्री फोर फाइव का भी मास आएगा तो ये कितना आ जाएगा जो हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेन लिख लिया ठीक है तो मास कितना आएगा चार वैगन्स का तो फोर इंटू टू थाउजेंड क्योंकि एक का मास टू थाउजेंड है अच्छा और एक्सेलरेशन हमने ऊपर से कितनी निकाली है एक्सेलरेशन हमने अभी निकाली है वन पॉइंट नाइन फोर फोर तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा वन फाइव फाइव टू न्यूटन तो फोर्स ऑफ वैगन वन और वैगन टू बेसिकली कितना आ जाएगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू